अपने पबजी वाले प्यार को ढूंढते हुए पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर भारत आई सीमा हैदर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। कभी वो अपने डांस की वजह से लोगों के बीच चर्चा का कारण बनती हैं, तो कभी हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाने की वजह से वायरल होती रहती हैं। इसी कड़ी में सीमा भाभी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने पति सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि करवा चौथ का व्रत रखते हुए वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगे। करवा चौथ व्रत के संबंध में सीमा हैदर ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सीमा हैदर ने कहा, ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए मेरे दिल्ली वाले मायके से करवा चौथ का सामान आया है, जिसे मेरे मुंह बोले भाई एपी सिंह की माता जी ने भेजा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सनातन धर्म के रीति रिवाज के आधार पर करवा चौथ का व्रत कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करूंगी। मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत इतना अच्छा देश है कि हर त्योहार एक नई सोच देता है। इससे अच्छा देश कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी माता जी और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीमा हैदर किसी भारतीय त्योहार को मना रही है। इससे पहले भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया था। इस दौरान उनका मुंह बोला भाई एपी सिंह उनके रघुपुरा स्थित आवास पर पहुँच कर राखी बंधवाई थी। वहीं अब पाकिस्तान से भारत अपने प्रेमी के पास आई सीमा हैदर पहला करवा चौथ मनाने में जोर शोर में जुटे हुए हैं। सचिन की लंबी उम्र के लिए सीमा ने करवा चौथ का व्रत रखा है। सीमा ने कहा कि भारत जैसा सुंदर देश पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ हर त्योहार को एक अलग खुशी से मनाया जाता है, जिसे किसी के लिए भूलना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उनका पहला करवा चौथ है, इसे लेकर वह बहुत खुश है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को बस से नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। सीमा के मुताबिक वह अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने आई थी, जो ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा इलाके में रहता है। स्थानीय पुलिस ने 4 जुलाई को सीमा को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और सचिन को अवैध प्रवासियों को शरण देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन दोनों को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद से सीमा हैदर अपने कई वीडियोस और इंटरव्यू के चलते चर्चा में है। सीमा हैदर को खूब मीडिया कवरेज मिल रही है। वहीं सीमा हैदर भी मीडिया के सामने अपनी बेबाक राय रखती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।